स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं वडोदरा ब्लॉग्स बनारसी अंदाज। दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको लेकर आई हूँ मंगल बाजार और आज मैं यहाँ का समर कलेक्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आईडी है अर्चना बनारसी। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ, मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अभी हम ये पद्मावती कॉम्प्लेक्स के पास ही मैं खड़ी हूँ और आपको लेके चलूंगी मंगल बाजार के एक ऐसे चीपेस्ट एरिया पे जहाँ पे समर कलेक्शन काफी चीपेस्ट प्राइस में मिलता है। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं साथ। ये गेट है और गेट के जस्ट इधर पहले ये रास्ता गया है मार्केट की तरफ। आप देख सकते हैं ये खजूरी मस्जिद है, इसके बगल से ये रास्ता गया हुआ है जहाँ मैं आपको आज मार्केट ले जाने वाली हूँ डेली वेयर के लिए। जो हम लोग टी शर्ट 3/4 या हाफ पैंट पहनते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और ये स्ट्रीट पे ही ये सारे कपड़ों की शॉप लगती है और मैं जो रास्ता है वो साथ में कवर करते चल रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपको किधर से किधर जाना है। तो मस्जिद के जस्ट बगल से ही मैं जा रही हूँ और आप सामने देख सकते हैं दुकानें लगना शुरू हो चुकी हैं। तो चलिए कुछ दुकानों को आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पे इस साल गर्मी में किस तरह के कपड़े आए हैं, चाहे बच्चों के लिए चाहे बड़ों के लिए। तो चलिए यहाँ पे एक आंटी दुकान लगा रही हैं, इनकी दुकान से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको गर्मी में बच्चों को घर में पहनाने के लिए छोटे छोटे कपड़े मिल जाएंगे 100 में 5 कुछ इस तरह के। डेली वेयर के आप कपड़े यदि लेना चाहें इस तरह के तो आप ले सकते हैं। तो ये आंटी की दुकान अभी लग रही है, चाहे लेगिंग लेनी हो चाहे शॉर्ट्स लेना हो वो सब आपको मिल जाएगा। चलिए आगे भी आपको दिखाती हूँ और ये टी शर्ट पैंट 3/4 लोअर शॉर्ट सब मिल जाएगा। कितने उम्र तक के बच्चों के लिए मिल जाएगा? 1 साल से लेकर 15 साल तक। तो 1 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों को मिल जाएगा। जैसे कि ये जो टी शर्ट है ये कितने का है? इसमें वही 150 का 2 पीस वाला है, फिर बाकी सब 100 वाला है। ये 150 रुपए का 2 मिल जाएगा, फिर ये 100 वाला है, ये आपको 100 रुपए का मिलेगा। बच्चे का 150 का आता है और बच्चों का बड़े बच्चों का 150 का आता है। फिर ये लोअर कितने कितने का? 150 के 2 पीस। तो इस तरह का लोअर यदि लेना हो तो 150 रुपए में 2 मिल जाएगा और आप देख सकते हैं बड़ों का 100 वाला। अच्छा बच्चों बड़ों का 75 से स्टार्टिंग है 200 तक तक आपको लोअर मिल जाएगा। फिर इस तरह से 3/4 वगैरह लेना हो तो वो भी मिल जाएगा, ये भी 150 रुपए का है। तो एक दो है ना, हाँ 150 के 2 सेट लेना हो तो 150 रुपए में 2 मिलेगा। इसमें टी शर्ट के साथ आपको पैंट भी मिल जाएगा और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है, 1.5-2 साल तक के बच्चों को आराम से आ जाएगा और गर्मी के लिए काफी कंफर्टेबल होता है। जिस तरह का लेना हो, बड़ों के लिए यदि आपको टी शर्ट लेना हो तो वो भी मिल जाएगा। तो एक दो बड़ों के लिए टी शर्ट दिखाएंगे, तो चलिए आपको बड़ों के लिए भी टी शर्ट दिखाते हैं। फिर इस तरह का पैंट वगैरह यदि बच्चे के लिए जीन्स फैब्रिक में लेना है तो वो भी मिल जाएगा। हालांकि गर्मी है तो जीन्स के जगह यदि आप इस तरह के होजरी के कपड़े में लेते हैं तो काफी कंफर्टेबल होगा, जो कि बहुत सारा है और साइजेस सारे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह का दुकान रोज लगता है, पूरे साल लगता है। और इस तरह का यदि आपको कम पैसे में यदि लेना हो डेली वेयर के लिए, अपने लिए चाहे अपने बच्चों के लिए, जैसे ये इस तरह का टी शर्ट आपको मिल जाएगा। ये कितने का बता? 150 का एक। तो ये आपको 150 रुपए का इस तरह का टी शर्ट मिल जाएगा। तो इस तरह का टी शर्ट लेना हो बड़े बच्चे के लिए और छोटे बच्चे के लिए लेना हो तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह का कलेक्शन देखना हो तो आप एक बार न्याय मंदिर वाले मार्केट में जरूर आए और कुछ पसंद आए तो जरूर। जीन्स आपको मिल जाएगी, यदि जीन्स लेना हो तो ये इस तरह का जीन्स आपको मिल जाएगा 200 रुपए का कोई भी जीन्स। कितने साल तक के बच्चों के लिए मिल जाएगा? 1 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए, 1 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए यदि आपको जीन्स लेना है तो मिल जाएगा। और कोई भी 200 रुपए का, तो कोई भी यदि आप जीन्स लेते हैं तो 200 रुपए का मिल जाएगा। और इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, साइज जैसे कि मैंने बताया कि 1 साल से लेकर 10 साल तक के 15 साल तक के बच्चों के लिए मिल जाएगा आपको कपड़े मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे टी शर्ट है, लेगिंग है, हाफ पैंट मिल जाएगा, हाफ टी शर्ट मिल जाएगा। गर्मियों के लिए देखिए इस तरह के हैं, जैसे कि देखिए ये टी शर्ट है बच्चों को यदि आपको पहनाना हो तो ये सेट में भी है। सेट में कितने का है अंकल? ये 150 का पूरा सेट आएगा, 150 का 2 सेट आएगा। अच्छा ये 150 का सिंगल सेट है और यदि यदि 150 में दो और ये वाला जो सेट यदि आप लेते हैं तो 150 में 2 सेट आएगा। इसमें देखिए इस तरह से आपको बनियान टाइप का टी शर्ट रहेगा और हाफ पैंट रहेगा, जो कि गर्मी में डेली वेयर के लिए काफी कंफर्टेबल बच्चों के लिए होने वाला है। और यदि 3/4 टाइप में लेना है, थोड़ा मतलब इस टाइप का कि जो पहना के आप बाहर भी ले जा सके, तो 150 रुपए का एक मिल जाएगा। फिर 150 की 2
और इस तरह की यदि लेगिंग लेनी हो तो ये भी आपको 150 रुपए में, देखिए इस तरह की लेगिंग दो मिल जाएगी। और कितने साल तक के बच्चों को मिल जाएगी? समझो 2 साल से 10 साल के लिए, 2 साल से 10 साल तक के बच्चों के लिए आपको देखिए इतना सुंदर सुंदर लेगिंग है तो मिल जाएगा। फिर इधर आप देख सकते हैं, इधर खाली सिंपल यदि आपको घर में डेली के पहनाने के लिए टी शर्ट चाहिए तो टी शर्ट मिल जाएगी। टी शर्ट कितने का है? 100 रुपए का है। 150 का और ये वाली, यदि और यदि ये वाली टी शर्ट लेते हैं तो 150 में 2 मिल जाएगा। ये भी टी शर्ट आपको 150 में 2 मिल जाएगा। ये 2 साल से 10 साल तक के बच्चों का आपको अंकल की दुकान पे मिल जाएगा। फिर हाफ पैंट भी भैया दिखाइएगा अंकल, ये भी 150 का 2, ये भी आपको 150 में 2 मिल जाएगा। और जिस तरह का कॉटन में लेते हैं तो ये भी 150 का 2 मिल जाएगा। तो आएगा ये भी 150 का 2, ये भी आपको 150 का 2, तो मतलब कि डेली में। हाँ हाँ, तो इनका रोज का है, पूरे साल ये दुकानें लगती हैं और कम रेंज में है, डेली वेयर के लिए काफी अच्छा है। अभी गर्मी बहुत पड़ने लगी है तो इस तरह के ढीले डाले कपड़े आरामदेह होते हैं, घर में पहनने के लिए हम कुछ ऐसा ही ढूंढते हैं बच्चों के लिए चाहे खुद के लिए। तो इस तरह का यदि आपको लेना हो तो आप इस मार्केट में जरूर आइएगा। अगर ये स्कर्ट टॉप ये कितने का पड़ेगा भैया? 200। अच्छा यदि बॉयज सेपरेट लेना हो तो सेपरेट, तो बच्चों का यदि लड़कों का सेट लेना हो तो 200 में पड़ेगा और यदि लड़कियों का लेना है कोई भी तो 250 में पड़ेगा। फिर इस तरह का यदि आपको पैंट वगैरह लेना हो जिस तरह से, ये कितने का है? सेपरेट आएगा दीदी, 200 का पैंट आएगा, 150 का शर्ट आएगा। अच्छा तो ये 200 का, आपको इसमें से कोई भी पैंट लेते हैं तो 200 रुपए का पड़ेगा। और आपको दिखाऊं तो इधर बहुत सारा इनके यहाँ कलेक्शन लगा हुआ है और बॉयज का जितना भी टी शर्ट पैंट वगैरह लगा है वो आपको 200 का पड़ेगा, गर्ल्स का 250 रुपए का पड़ेगा। तो इस तरह का यदि आपको लेना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दुकान का नाम भी इसमें आ रहा है तो एक बार चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं। मेन मंगल मार्केट में, यहाँ मंगल बाजार में जिधर बैग्स वगैरह का कलेक्शन लगा होता है स्टार्टिंग का है, उधर वाले मार्केट में अंदर इंटर करी हूँ। और इधर इस तरह का भी आपको डेली वेयर के लिए बच्चों के लिए कपड़ा मिल जाएगा। कोई भी यहाँ इनकी दुकान से आप ड्रेस लेते हैं तो 80 रुपए का है, छोटे बच्चों से लेके कितने साल तक के बच्चे के लिए मिल जाएगा? 6 साल तक के बच्चे के लिए आपको टी शर्ट मिल जाएगा, पैंट मिल जाएगा, टी शर्ट पैंट का इस तरह से सेट मिल जाएगा। तो कोई भी लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं और इनकी दुकान रोज लगती है और 10:30-11 बजे दुकान सुबह लग जाती है, तो आप एक बार देख सकते हैं। ये ब्यूटी हब करके इधर दुकान है, इसके जस्ट अपोजिट में इनकी दुकान लगी हुई है। तो यहाँ पे आप इनकी दुकान पे भी कुछ गर्मी के लिए लेना हो डेली वेयर के लिए तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बैग्स तरह तरह के आपको यहाँ पे बैग्स मिल जाएंगे। चलिए इनके यहाँ के दुकान के बैग्स के कलेक्शन आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो बैग्स है वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। जैसे कि पहले सबसे पहले ये बैग आपको दिखाती हूँ, यदि आपको अपने बच्चे के लिए लेना हो तो ये 150 रुपये का, तो ये आपको 150 रुपए का मिल जाएगा। इसमें इस तरह से आपको इस तरह से हैंगिंग करने के लिए 2 दिया हुआ है, इस तरह से स्लिंग यदि करना हो तो आप इस चेन को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हैंड बैग की तरह लेना है तो इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। फिर इस तरह से बबल वाला भी बैग है और इस तरह का छोटा सा क्यूट सा बैग यदि लेना हो अपने बच्चे के लिए, ये कितने का है? 80 रुपीज का। इस तरह से कीचेन वाला बैग है और ये वाला 100, ये 100 का पड़ जाएगा। फिर इस तरह का यदि आपको बैग देखना है, ये भी 100 का है, 200 का, तो ये आपको 200 रुपए का इस तरह का बैग है। फिर बड़ों के लिए यदि इस तरह से स्लिंग बैग लेना हो आप देख सकते, ये भी 200 का है। तो ये इस तरह से आपको काफी स्पेशियस बैग है, आप देख सकते हैं बहुत सारे, ये सब 200-200 रुपए के है। तो ऊपर जितने बैग दे रहे हैं वो 200-150 यही रेंज में है। और चलिए कुछ और भी बैग दिखाती हूँ, जैसे कि ये अभी नया आया हुआ है, ये बैग कितने का है? 150। तो ये आपको 150 का मिल जाएगा। फिर लड़कियों को आजकल ये वाला बैग काफी देखने को मिल रहा है, ये वाला बैग कितने का है भैया? 200 वाला है, बड़ा ये छोटा वाला 200 का है। और यदि आपको बड़ा लेना हो तो वो 300 का मिल जाएगा इनके यहाँ। इस तरह से पार्टी वेयर भी बैग आपके यहाँ मिल जाएगा। और ये जो बैग आप निकाल रहे हैं ये कितने का है? 150 का, जरा दिखाइएगा। तो चलिए आपको कुछ बैग्स भी दिखाती चलती हूँ इनके शॉप के। और तो इस तरह का यदि स्लिंग बैग लेना है तो ये आपको 150 का पड़ेगा। और कितना खूबसूरत लग रहा है, जूम करके यदि आपको दिखाऊं तो ये देखिए, तो इस तरह का है। फिर आपको यहाँ से दिखाऊं तो इस तरह का आपको इस तरह से पार्टी वेयर बैग्स भी बहुत सारा इनकी दुकान पे है। एक आप बताइएगा भैया, पार्टी वेयर बैग, ये तो स्लिंग बैग हो गया, ये भी मतलब कितने का है? ये वाला, ये वाला आजकल काफी 500 का है। पार्टी में इस तरह से यदि आपको लेके जाना हो
600 का है। तो ये प्राइस जो आप बता रहे हैं वो फिक्स है कि फिक्स है? तो ये जो प्राइस बता रहे हैं वो फिक्स है, और आप देख सकते हैं आपको हर तरह का इनकी दुकान पे बैग मिल जाएगा। फिर इस तरह से यदि आपको कॉस्मेटिक वगैरह रखना हो या शेविंग किट रखना हो तो ये कितने का पड़ेगा? वो 50 रुपीज वाला है, 100 रुपीज वाला है। अच्छा, 50 का भी है और 100 का भी, इसमें दो आपको वैरायटी मिल जाएगा। तो इस तरह का बैग्स का कलेक्शन इनकी दुकान पे देखने को मिला है। चलिए कुछ और दुकानें आपके साथ शेयर करती हूँ कि उनकी दुकानों पे किस तरह का बैग्स अवेलेबल है अभी इस समय मार्केट में, दिखाती हूँ। जैसे कि ये आपको बहुत सारा यदि स्टोरेज करना है, कहीं मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो इस तरह का बैग यदि आपको लेना है तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का मिलेगा। देखिए कितना स्पेशियस है, और इसमें एक साइड पॉकेट भी आपको मिल जाएगा, जैसे कुछ पर्ची वगैरह रखना है या चाबी वगैरह रखना है। तो और भी बहुत सारे इनके यहाँ बैग्स हैं। चलिए कुछ बैग और इनकी दुकान का भी बताते चलते। जैसे ये वाला बैग है भैया 200 का, 200 रुपए का है। फिर इस तरह का यदि आपको तो ये सब 150 का आपको मिल जाएगा। इस तरह का बैग यदि आपको शोल्डर बैग लेना है, और कुछ पार्टी वियर बैग बताएंगे भैया एक दो? चलिए मैं आपको पार्टी वियर बैग इनकी दुकान का दिखाती हूँ। एक आध जस्ट उनकी दुकान के बगल में ही है, जैसे कि ये इस तरह का बैग है। इस तरह का क्लच यदि आपको लेना हो, देखिए तो ये कितने का? 500 का। तो इस तरह का आपको क्लच मिल जाएगा 500 का। फिर ये आपको 300 का भी मिल जाएगा। फिर ऊपर भी आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर आपको क्लच वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ ये इस तरह से ये वाला बैग मुझे अलग से दिखाएंगे, ये बच्चों के 100 में आपको इस तरह के बैग्स मिल जाएंगे। तो इस तरह के बैग इनकी दुकान पे फिलहाल अभी नए आए हुए हैं, तो आप इस तरह का बैग चेकआउट कर सकते हैं। कम प्राइस में लेना हो तो यहाँ से मंगल बाजार से ले सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे बैग्स के कलेक्शन मिल जाएंगे। ये वाले बैग्स कितने के हैं? 70 का। अच्छा, ये 70 का कोई भी? इसमें से 4 डिजाइन में से कोई अच्छा 70, और ये वाला जो 100 का, और ये वाले आपको 100 के हैं। इसमें से कोई भी, ये लाइन में आप देख रहे हैं, ये आपको कोई भी लेते हैं तो 100 का मिलेगा। बच्चों के लिए ये सब स्पेशली ये सब सारे बैग्स हैं, और ये 70 के आपको ये सारे जो डिजाइन देख रहे हैं 70 में मिल जाएंगे। फिर इधर छोटे यदि आपको ले रहे हैं इस तरह के, तो ये कितने के पड़ेंगे? नीचे वाला 70 का है, ये 70 का है, और ये वाला 100 का है। तो इस तरह का यदि आपको छोटा सा वॉलेट कह सकते हैं, या छोटा सा पाउच या छोटा सा पर्स जो बैग के अंदर आदमी रख सकता है, कॉइन बैग, हाँ कॉइन बैग टाइप का है, यदि आप अपने हैंड बैग वगैरह में रखने के लिए लेना चाहते हैं तो इस तरह का मिल जाएगा। फिर आपको इस तरह के हैंड बैग भी है। ये हैंड बैग कितने का पड़ेगा? 200 का है, ओके। और ये वाला 200 का ही है, ओके। सिंगल पीस है, सेल में रहता है। और अभी आप इस तरह का ये जो आजकल बहुत चल रहा है ये वाले बैग, ये कितने के हैं? 200 के। तो इस तरह के बैग आपको लेने हैं तो ये भी आपको 200 रुपए का मिल जाएगा। और इसमें बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं और काफी स्पेशियस होता है, स्लिंग बैग है और बहुत ही सुंदर आजकल काफी ट्रेंड में है। जो का जो ब्रांड में इस तरह का बैग आता है उसी की थोड़ी कॉपी है, लेकिन वो काफी कॉस्टली आता है, ये आपको सस्ते में मिल जाएगा। तो इस तरह का यदि लेना हो तो 200 रुपए का आपको मिल जाएगा। चलिए और कुछ और बैग इनकी दुकान में मैं आपको दिखाती हूँ। अभी दुकान लग रही है, सुबह का टाइम है तभी दुकान लगी नहीं है। तो जैसे कि ये वाला बैग बताइएगा, फिर इस तरह का बैग आपको लेना हो बॉक्स टाइप का, स्लिंग बैग प्लस हैंड बैग, तो ये भी आपको बहुत सुंदर सा है। ये कितने का पड़े? 200। तो कोई भी ये सब बैग स्लिंग बैग दो दो मैक्सिमम ज्यादातर 200 के ही है। इनके दुकान पे जितने भी आप स्लिंग बैग्स आप देख रहे हैं ज्यादातर आपको 200-200 रुपए का, देखिए इधर भी लगाया है, अभी तुरंत लग ही रहा है दुकान, तो ये सब आपको 200-200 रुपए का पड़ जाएगा। तो इस तरह का बैग यदि आपको लेना हो, कम पैसे में लेना हो, जैसे कि अभी लगा ही रहे, तो आप यहाँ पे दुकान नंबर 103 में ले सकते हैं। और इसके आजू बाजू में भी और भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सुबह 10:30-11 के बाद ही आए क्योंकि दुकान तक लग जाएगी। बैग है ये भी आपको 200-200 रुपए का मिल जाएगा। इस तरह का भी स्लिंग बैग 200 रुपए। तो वैरायटी बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल डिज़ाइन है, बहुत सारी वैरायटी आपको बैग्स की मिल जाएगी। तो 2-4 डिज़ाइन मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, वो निकाल निकाल अभी लगा रहे हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। फिर इस तरह का लेना है तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है और ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये भी आपको, ये भी 200 का है, ये 250 का। तो ये आपको 250 का, इसमें 3-4 कलर आपको मिल जाएगा। देखिए 5 है, 5 का अलग अलग कलर है। तो इस तरह का लेना हो आप हैंडबैग की तरह भी यूज कर सकते हैं, स्लिंग बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो ये 250 रुपए का आपको मिल जाएगा।
का भी बैग बहुत ही सुंदर है, अभी नया आया हुआ है ब्रॉड बेल्ट में। आजकल ब्रॉड स्लिंग स्ट्रैप चाह रहा है, लोग यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह का ब्रॉड स्लिंग टाइप में यदि आपको बैग लेना हो जो कि आपके काफी ट्रेंड में है, तो आप इस तरह का देखिए इसका क्लोजर है तो ले सकते हैं। ये कितने का पड़ेगा? 200 का है, तो इस तरह का आपको 200 का पड़ जाएगा। और कुछ इस तरह का यदि लेना हो तो ये भी बहुत सुंदर, ये भी 200 रुपए का है, तो ये भी आपको 200 रुपए का। तो मतलब बहुत सारे ढेरों वेरायटी आपको दुकान नंबर 103 में मिल जाएगा, और प्राइस भी काफी रिजनेबल है, ऐसा नहीं है कि काफी महंगा हो, ऐसा नहीं है। 200-250 रुपए का ही है, मतलब स्लिंग बैग यदि बड़ों के लिए लेना है तो, और यदि बच्चों के लिए लेना है तो 70 रुपीज से स्टार्टिंग है मंगल बाजार में। और चलिए आपके साथ यहाँ किस तरह का कलेक्शन यदि आप मंगल बाजार में एंटर करते हैं, तो जैसे कि मैंने अभी बैग का कलेक्शन दिखाया, चलिए और भी चीजें आपको दिखाती चल रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको इस तरह से यदि आपको किचन के लिए इस तरह से कप प्लेट का सेट वगैरह लेना हो, कितने से स्टार्टिंग है आपके यहाँ? 450 का सेट, 150 का पूरा सेट आता है। ये जो लगा हुआ है ये 200। अच्छा, तो ये आपको कोई भी लेते हैं तो 200 रुपए का पड़ेगा, और ये आपको 150 का सेट पड़ जाएगा। तो इस तरह का यदि आपको जैसे कप का सेट चाहिए, टी सेट चाहिए, या फिर ग्लास वगैरह चाहिए, तो आपको यहाँ इनकी दुकान पे मिल जाएगा। स्टार्टिंग में ही दुकान है बैग के जस्ट बगल में। चलिए और भी दुकानें दिखाती चलती हूँ। जैसे कि इधर आपको इस तरह से प्लास्टिक के डब्बे वगैरह लेना हो तो यहाँ पे 50-30 रुपीज से स्टार्टिंग है। इस तरह का यदि स्टोरेज बॉक्स वगैरह लेना हो तो ये सब आपको मिल जाएगा। फिर और भी बहुत सारी चीज़ों की दुकानें यहाँ पे मंगल बाजार में यदि आप आते हैं तो मिल जाएगा। चाहे आपको इस तरह से फ्रिज का कवर वगैरह लेना हो, फ्रिज का कवर कितने का होगा? 150 का। और ये जो मैट है 100 रुपीज का, तो 100 रुपए का इस तरह का मैट मिल जाएगा, और फ्रिज का कवर वगैरह 150 में मिल जाएगा। तो चलिए कुछ कुछ दुकानें मंगल बाजार का आज आपके साथ शेयर करती चलती हूँ कि आप आते हो तो किस तरह से आपको मंगल बाजार में क्या क्या मिल जाएगा। जैसे कि इस तरह से 350 रुपए में इस तरह का कुर्ता सेट वगैरह देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, और गर्मियों के लिए 300 रुपए, 350 रुपए का पूरा सेट लगा हुआ है। तो आप यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं, इस तरह का पूरा कलेक्शन है, साइजेस सब आपको मिल जाएंगे। और इधर आपको इस तरह का थैला वगैरह लेना हो यदि इस तरह का स्टोरेज का, तो आप इस तरह का थैला लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो इस तरह का कलेक्शन आपको मंगल बाजार में मिल जाएगा। कुर्ती यदि लेनी हो तो 250-250 रुपये का इस तरह का आपको कुर्ती मिल जाएगा, लॉन्ग भी मिल जाएगा, शॉर्ट भी मिल जाएगा, कॉटन मटेरियल में इस तरह की कुर्ती मिल जाएगी, साइजेस सब आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह का यहाँ पे इधर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह की दुकानें हैं, बैग्स वगैरह की दुकानें हैं। 100 रुपये में 2 टी शर्ट आपको मिल जाएगा। फिर इस तरह से जीन्स 600 रुपीज में, कोई भी इसमें से जीन्स ले सकते हैं 600 रुपीज में। और इस तरह से ब्रॉड में मिल जाएगा, फिर नैरो में भी मिल जाएगा। और इस तरह का बच्चों का टी शर्ट 300 रुपये में 2 आपको मिल जाएगा। ये टी शर्ट पैंट का भी सेट है कि सिर्फ टी शर्ट ही है? पैंट भी है। अच्छा, फिर पैंट भी आपको मिल जाएगा 300 रुपये में। फिर इस तरह से जीन्स यदि लेना हो थोड़ा नैरो फिट में, तो 350-300 रुपये का इस तरह का आपको जीन्स यहाँ मिल जाएगा। तो ये भी एक दुकान यहाँ लगी हुई थी, दुकान नंबर है 10। अभी सब मैंने मंगल बाज़ार में कुछ कुछ दुकानों को आपके साथ शेयर किया कि जैसे बैग्स की दुकान है, डेली वेयर के बच्चों के कपड़े की दुकान थी, फिर और भी बहुत सी दुकानें जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर सकती हूँ अभी, क्योंकि बाकी अभी सुबह का टाइम में तो सारी दुकानें नहीं लगी हुई थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। साथ ही साथ मैंने न्याय मंदिर में जो मार्केट है वो वहाँ पे जो डेली वेयर के लिए टी शर्ट पैंट बच्चों के लिए मिलता है चाहे बड़ों के लिए, वो आपके साथ शेयर किया। और यदि आप जैसे ही बाहर मार्केट से निकलते हैं तो रोड साइड में आपको इस तरह की दुकानें देखने को मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे रुमाल वगैरह, सॉक्स वगैरह लेना हो। ये पूरा पैकेट कितने का आएगा? इस तरह का 100 रुपीज का इस तरह का पैकेट आ जाएगा। इस तरह का सॉक्स कितने का है? 20 रुपए जोड़ी, तो 20 रुपए का जोड़ी इस तरह के सॉक्स आ जाएगा। फिर इस तरह से आपको हेयर एक्सेसरीज वगैरह लेना हो तो उसकी भी बहुत सारी दुकानें छोटी छोटी लगी रहती हैं। चलिए कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। तो बाहर एरिया जैसे कि ये आजकल काफी चल रहा है, ये कितने का है भैया? 40 रुपीज का ये आपको मिल जाएगा। फिर इस तरह से और भी बहुत सारे हेयर एक्सेसरीज वगैरह इनकी दुकान पे लगी हुई है। तो ये सारी दुकानें आपको जैसे ही आप मार्केट के बाहर यानी बाहर में आते हैं या बाहर अभी जस्ट पहुंचे हैं और मार्केट में जाने वाले हैं, तो ये सारी दुकानें आपको इस तरह की दुकानें मिल जाएंगी। तो आपको इस तरह का हेयर एक्सेसरीज वगैरह लेना हो तो आप इनकी दुकान से ले सकते हैं काफी कम प्राइस में, 20 रुपए 30 रुपए। ये क्लचर कितने का है? 40 रुपए का।
तो इस तरह का आपको क्लचर मिल जाएगा, बैक पिन मिल जाएगा, हेयर बैंड मिल जाएगा, तरह तरह के एक्सेसरीज मिल जाएगा, तो ले सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। मॉल वगैरह में जाएंगे तो बहुत ही महंगा मिलता है, तो लेना चाहे तो आप मार्केट के बाहर इस तरह की ढेर सारी दुकानें आप देख सकते हैं लगी हुई हैं, तो आप ले सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये छोटा सा मंगल बाजार का ब्लॉग, जिसमें मैंने अलग अलग एरिया का थोड़ा थोड़ा कलेक्शन आपके साथ शेयर किया है अपने ब्लॉग में, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा। और अब मैं आप सभी लोगों से लेती हूँ विदा, मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।